गुड मॉर्निंग ऑल, टुडे डिस्कस अबाउट इन एनर्जी टेक्नोलॉजी यूनिट नंबर 3, सोलर एनर्जी कलेक्टर प्लेट कलेक्टर। ये आपणे डिटेल्स में जोई गया था सोलर एनर्जी में सोलर रेडिएशन्स एंड रिलेटेड टू टर्म्स फॉर मेजरमेंट ऑफ सोलर रेडिएशन्स। सोलर एनर्जी की एप्लिकेशन्स जोई थी, एना आफ्टर जोईशुं आपणे सोलर एनर्जी कलेक्टर प्लेट लिक्विड सोलर हीट कलेक्टर्स। ओके, इन ऑल्सो बी 7th सेमेस्टर सब्जेक्ट यूनिट नंबर 5 सोलर एनर्जी कलेक्टर। एम फर्स्ट पॉइंट है प्लेट कलेक्टर्स। ओके, तो स्टार्ट करिए अपने प्लेट लिक्विड सोलर हीट कलेक्टर। दिस वन पॉइंट इम्पोर्टन्स है 7 मार्क्स मेटे। ओके, दीज आर मेनी प्लेट कलेक्टर डिजाइन बट मोस्ट आर बेस्ड ऑन दी प्रिंसिपल सोन इन फिगर। जे आप कम्प्लीटली फिगर में जुवा रहे। ओके, तो इज अ लिक्विड प्लेट कलेक्टर जे अपने आगना लेक्चर्स में जोई गया था, प्रीवियस लेक्चर में ये अपने जोवानुं छे। फरीथी इज अ लिक्विड सोलर हीट कलेक्टर। इट इज अ प्लेट एंड ट्यूब टाइप कलेक्टर। क्या टाइप में कलेक्टर छे? ए प्लेट अने ट्यूब टाइप में कलेक्टर्स छे। दिस इज अ बेसिकली कंसिस्ट ऑफ अ प्लेट सर्फेस विथ अ हाई एब्जॉर्प्टिविटी फॉर सोलर रेडिएशन and call the absorbing surface. Okay, this is the absorbing surface. Okay, this is the plate liquid solar heat collector. Simple discussion part, for these are many plate collector design but most are based on the principle shown in figure ma jovanu rese apde. It is the plate ane tube type collectors che je aa yu aipu che ne ए प्लेट टाइप ट्यूब कलेक्टर्स है। एना बेसिकली कंसिस्ट ऑफ अ प्लेट सरफेस विथ हाई एब्जॉर्प्टिविटी फॉर सोलर रेडिएशन्स कॉल दी एब्जॉर्बिंग सरफेस। ओके, हवे फिगर में जोईए आपणे दिस वन। सिलेक्शन थ्रू टिपिकल प्लेट कलेक्टर इज अ ट्रांसपेरेंट कवर। ओके, आ जे पाड़ेबो छे ए ट्रांसपेरेंट कवर छे। देन दिस इज द एब्जॉर्प्टिविटी, डॉटेड पार्ट फॉर एब्जॉर्प्टिविटी। दिस इज द हीट ट्रांसफर फ्लूइड। आ जे छे ए यहाँ हीट ट्रांसफर थशे, हीट ट्रांसफर फ्लूइड। देन द इन्सुलेशन, दिस इज द पार्ट फॉर इन्सुलेशन। देन एब्जॉर्बर, देन द कोजन सपोर्ट। आज आप डॉटेड लाइन और वेव लाइन, स्ट्रेट लाइन और डॉटेड लाइन। ओके, दिस इज अ सोलर रेडिएशन कवर एंड डिफ्यूज। ओके, सोलर रेडिएशन एंड कवर एंड डिफ्यूज। देन द कोजन सपोर्ट एंड स्पॉट फॉर द ग्लासीस, ग्लासीस सपोर्ट मे यूज थाय। ओके, दिस इज अ फिगर, कम्प्लीटली याद रखो। सिलेक्शन थ्रू टिपिकल प्लेट कलेक्टर। दिस इज अ पार्ट फॉर अ एब्जॉर्बर एंड द इन्सुलेशन, जो डॉटेड पार्ट आप अंदर दिस वन। हाँ, जो राउंड जो ड्रॉपलेट देखाय तमने ए एब्जॉर्बर माटे छे। ओके, दिस इज अ टिपिकल पार्ट फॉर अ प्लेट लिक्विड सोलर हीट कलेक्टर। ओके, दीज आर अ मेनी प्लेट कलेक्टर डिजाइन बट मोस्ट आर द बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल। And the shown in figure, it is the plate and a tube type collectors. It is basically consist of the plate surface with a high absorptivity for a solar radiations called the absorbing surface. And also this is a figure for a selection through typical plate collector. Okay, our discussion part ma main point jo isu apne. This one, one by one joye. A typically metal plate, usually of copper. जी फिगर में आप जुं है ना, जी टिपिकली प्लेट है यहाँ कोपर यूज थाय। ओके, टिपिकली अ मेटल प्लेट यूजली ऑफ कोपर स्टील और एल्युमिनियम मटेरियल विथ अ ट्यूबिंग ऑफ कोपर इन थर्मल कॉन्टेक्ट विथ द प्लेट आर मोस्ट कॉमनली यूज मटेरियल। ओके, टिपिकली अ मेटल प्लेट यूजली ऑफ कॉपर स्टील एल्युमिनियम मटेरियल विथ ट्यूबिंग ऑफ कॉपर इन थर्मल कॉन्टेक्ट विथ द प्लेट
आर मोस्ट कॉमनली यूज इन द मेथड. ओके, जेमा आपणे जोयुं छे सोलर रेडिएशन्स रिलेटेड टू टर्म्स ऑफ मेजरमेंट सोलर रेडिएशन्स. आ कलेक्टर में आपणे जोईए छे प्लेट प्लेट कलेक्टर एर कलेक्टर द कलेक्टर विथ पोरस एब्जॉर्बर कॉन्सनट्रेटिंग कलेक्टर. एंड ऑल्सो एप्लिकेशंस एंड एडवांटेजिस ऑफ वेरियस कलेक्टर्स आ सिलेक्टिव एब्जॉर्बर कोटिंग सोलर एनर्जी स्टोरेज सिस्टम एम थर्मल इलेक्ट्रिकल केमिकल एंड मेकेनिकल बने में जुशूँ. ओके, दिस अ टिपिकली अ मेटल प्लेट यूजली ऑफ कॉपर एंड स्टील और एल्युमिनियम मटेरियल विथ अ ट्यूबिंग ऑफ कॉपर इन थर्मल विथ द प्लेट्स आर मोस्ट कॉमनली यूज इन द मेथड. ओके, द सेकेंड वन दिस वन दिस द फर्स्ट वन सेकेंड वन द एब्जॉर्बर प्लेट. ओके, जे ऊपरने फिगर में जोईए कई से फिगर एब्जॉर्बर आज है दिस वन लाइन दिस इज अ एब्जॉर्बर प्लेट. ओके, द एब्जॉर्बर प्लेट इज यूजली मेड फ्रॉम अ मेटल सीट्स द 1 to 2 mm दिस अ 1 to 2 mm इन दिस वाइल द ट्यूब्स विच ऑल्सो और मेटल रेंज इन डायमीटर फ्रॉम 1 to 1.5 डायमीटर इन द 1 to 1.5 दे आर सोल्डर्ड प्लेट आर क्लैम्प टू द बॉटम ऑफ द एब्जॉर्बर प्लेट विथ द पीच रेंजिंग फ्रॉम 5 to 15 cm दे आर सोल्डर्ड प्लेट आर क्लैम्प to the bottom of the absorber plate with the pitch ranging from the 5 to 15 cm. In some design the tubes are also in line and integral with the absorber plate. In some design the tubes are also in line and the integral with the absorber plate it also. Okay, this is a important line. In some design the tubes are also in the integral with the absorber plate. Okay, this is a important theory for a flat plate collectors. Okay, ena pehla chodi le apne applications. State important applications of solar energy that describe the flat plate liquid solar heat collector for a water heating. For a applications is the intermittent and the variable manners in which इट अराइव एट द अर्थ सर्फेस. शू कीधु छे, जे एप्लिकेशन आपी छे आपणने ए अर्थ सर्फेस माटे छे. द इंक्रीमेंट इन द वेरिएबल मेनर्स इन विच इट अराइव एट द अर्थ सर्फेस इन द लार्ज एरिया रिक्वायर्ड टू कलेक्ट द एनर्जी एट अ यूजफुल रेट. लार्ज एरिया रिक्वायर्ड टू कलेक्ट द एनर्जी एट अ यूजफुल रेट एंड द यूटिलाइजेशन ऑफ सोलर एनर्जी रिक्वायर्ड सोलर कलेक्टर्स એમાં ટુ ટાઈપ્સ છે. તો ફર્સ્ટ વન નોન કોન્સન્ટ્રેટિંગ આર પ્લેટ ટાઈપ કલેક્ટર્સ અને કોન્સન્ટ્રેટિંગ ટાઈપ કલેક્ટર. જેમ ડિટેલમાં જોયું આપણે પ્લેટ પ્લેટ લિક્વિડ સોલર હીટ કલેક્ટર. ઓકે, ધીઝ આર મેની પ્લેટ કલેક્ટર ડિઝાઇન બટ મોસ્ટ આર બેઝ ઓન ધીઝ પ્રિન્સિપલ શોન ઇન ફિગર. ઇટ ઇઝ ધ પ્લેટ એન્ડ ટ્યુબ ટાઈપ કલેક્ટર. ઓકે, and the it is basically consist of a plate surface with a high absorptivity for solar radiations called is a absorbing surface. ye apne completely figure ma joyu is a this one tema che this one aa absorber plate che aa droplets apla che e point pramane aa solar thermal fluid che aa portions of the supporting for a transmitter cover absorber and insulations for solar radiation collector for a wave and a straight line. So, okay, this is the typically solutions for a selection through the plate collector. And a typically method plate usually ema use as a copper steel or aluminium. Okay, CU and aluminium most of the use as a material with a tubing of a copper in thermal contact with the place are most commonly used for a method. The absorber plate is usually made from a metal sheet 1 to 2 mm in the timeless, while the tube which also of metal range in the diameter from the 1 to 1.5
Okay, then they are soldered plates are the clamp to the bottom of the absorber with the pitch ranging from the 5 to 15 centimeter. In same design, the same design tube for also line and the integral with the absorber plate. Okay, this is the plate collector. Then some applications. Okay, in the previous lecture में आपने जो भी की तो applications हैं उसमें थोड़ा revision कर लिए. The first questions part in this chapter. This is the first one. What are the conventional and non-conventional energy sources? Describe briefly. जी आपने अगर जो किया चहे. Major source of energy included the fossil fuels. इमा water power, energy और nuclear fission चहे. Minor source of energy included sun, wind, tides in the sea. For geothermal fuel cell, etc. Okay. Emma first che fuel fossil fuel, water power, energy and nuclear fission. Okay. Three points che je major importance che na mate. Minor source of energy included the sun, wind, tides in the sea. For geothermal fuel cell, etc. ને કન્વેન્શનલ સોર્સ માટે જોઈએ આપણે કેટલું છે એમાં કોઇલ ઓઇલ ગેસ યુરેનિયમ હાઇડ્રો આર કોમનલી નોન એઝ ધ કોમેડિકલ ઓર ઇકોનોમિકલ કન્વેન્શનલ એનર્જી સોર્સ ધ પર્સન્ટેજ યુઝ ઓફ વેરિયસ સોર્સ ઓફ ધીસ ટોટલ એનર્જી કન્ઝ્યુમ્પશન ઇન ધ વર્લ્ડ ઇઝ ગિવન બિલો The percentage use of various source for the total energy consumption in the world is given below for this percentage wise. जो आपने already जो ही किया चाहिए, okay? Simply याद रखिए percentage coal ना कितना चाहिए 32.5%, oil 38.3, gas ना 19.6% चाहिए, dung चाहिए 1.2%, uranium 0.13%, hydro 2%, wood contains 6.6%, waste चाहिए 0.3%. ओके कॉल माटे जो सीन्स दीस एडवांस इन्फेसिलिटी ए मोस्ट कॉमन सोर्स है एना एडिशनल ऑफ द 500 माइक्रोवोल्ट मेगावॉट कही यूनिट इज द थर्मल पावर सेक्शन ऑन द मार्च 23-89 दिस इज द लार्जेस्ट पावर प्लांट इन दिस इंडिया So according to the estimate for a coil embodiment, it is the enough to last for 200 years. Okay, the coil is pollutant and produce CO2 and CO. And the oil amount of 40% only for a petroleum crude oil, after PRPTM already made here. Okay, almost 40% of this energy need of the world is fed by oil with today's consumption and a resources amount of 25 million 25 lakh million tons of oil in wood surface of these 100 years the refining petroleum of the crude in the produce our fuels for a gas is incompletely utilized for a present worth and huge quantities in a quantity ke liye se vadhare ma vadhare che Okay, this is a basis process because of the non-availability of the ready to market. And then aqueous fuel can be classified as the gases and the fixed compositions. For a composite industrial gases such as producers gases, coke, even gases, water gases, etc. The water power it is the developed by allowing water to fall under the force of gravity. It is used for generating electric power. Okay, electric power made generally mostly. Ji aap point made aayu chhe. The potential energy of water is converted into mechanical energy by using this a hydraulic turbine. For non-conventional made apne sodan energy detail ma joyu to.
is greatest potential of the source of renewable energy, and if any small amount of this form of energy called DV used, it is will be the one of the most important supplies of energy. The solar power where sun hits atmosphere, it 10^7 watts. Whereas the solar power on Earth surface is 10^6 watt. The basis research in solar energy is being carried out over many places. ओके देन आप तो बायोमास और बायोगैस विषय डिटेल में जोईशू आपणे रिन्यूएबल एनर्जी जोई गया छे आपणे डिटेल्स में इज ऑलमोस्ट थियोरेटिकल सब्जेक्ट अप्रोक्सिमेट एंड अल्टिमेट आपणे डिटेल्स में जोई गया छे मोल लीटर लिमिटल एस कंटेंट कया कया हशे एना माटे ओके आपणे जे प्रीवियस लेक्चर में जोई गया था एनालिस्ट वेरियस डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस ऑफ द सोलर एनर्जी एप्लीकेशंस ऑफ दिस टू थ्री कैटेगरीज डायरेक्ट थर्मल एप्लीकेशंस सोलर एनर्जी एप्लीकेशंस एंड थर्ड वन इज द एनर्जी फ्रॉम बायोमास ओके थैंक यू सो मच नेक्स्ट सेक्शन में आप डिटेल्स में जोईशू सोलर पॉइंट